ना मेरा ये कहना है कि बेली चराना में जो आज जेडीए और पुलिस ने जो कार्रवाई की है ये बहुत ही दर्दनाक और अफसोसगन है कि इन लोगों को सुबह नमाज पढ़ते हुए लोग सुबह नमाज पढ़ रहे थे अपने माल मवेशी को देख रहे थे। अगर ऐसा कुछ था तो इनको पहले करना चाहिए था ये सारा कुछ और इनको नोटिस देना चाहिए था यहाँ पे ये करने के लिए। इन्होंने बहुत गलत किया है। ये गुजर कॉलोनी पे जो इन्होंने रात को बेली चराना गुजर कॉलोनी में जो इन्होंने हमला किया है बीजेडी ने और इन्होंने पुलिस डिपार्टमेंट ने ये एक बहुत ही निंदनीय वक्त के टाइम इन्होंने जो सुबह नमाज के टाइम जो किया है ये बहुत ही अफसोसनाक है। आज का जो वाक़या हुआ है इतना गंदा और दर्दनाक वाक़या हुआ है कि जो जेडीए पुलिस डिपार्टमेंट को पूरा डिपार्टमेंट लेके आज ये नहायत गरीब लोग और बेचारे मजदूरदार लोगों के ऊपर अत्याचार सुबह सुबह 7:30 बजे शुरू कर दिया गया। हम इसकी निंदा करते हैं, पुरजोर निंदा करते हैं। ये गवर्नमेंट क्या साबित करना चाहती है, गरीबों को परेशान करना चाहती है और ख़ासकर एक कम्युनिटी के ऊपर? क्या गवर्नमेंट लैंड खाली इन्हीं के नीचे है? क्या गवर्नमेंट लैंड किसी और किसी के नीचे नहीं है? अगर गवर्नमेंट लैंड खाली करवानी है तो सभी से करवाई जाए, खाली गुजरों से ही खाली क्यों करवाई जाए? यह कम से कम 40 साल से यहाँ लोग रह रहे हैं, इन लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स हैं, कागज़ हैं, इनको गवर्नमेंट ने बिजली प्रोवाइड कर दी है, पानी प्रोवाइड किया हुआ है, फिर गवर्नमेंट को तकलीफ क्या? हाई कोर्ट का अगर आर्डर है तो इन्हीं के लिए क्यों है? सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड पुश द बेल आइकन टू गेट वीडियो नोटिफिकेशंस ऑन योर स्मार्टफोन।